भाई की शादी है। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, तो अगेन हम पहुंच गए हैं शादी में। आप लोगों ने देखा होगा अभी बारात में हमने कितना एंजॉय किया। तो ये है शादी मेरे देवर जी की, यानी कि मासी के बेटे की। तो ससुराल की तरफ अभी हुई थी भाई की शादी, अब है देवर जी की शादी। तो चलिए फ्रेंड्स, सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और सब लोगों से मिलवाती हूँ इन लॉज की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते जाइए इस ब्लॉग को और इन्जॉय कीजिए आप भी मेरे साथ इस मैरिज को।
तो फ्रेंड्स हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया और यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं फेरे। तो अब हम लोग भी मतलब फेरों के लिए रुक गए थे रात को। तो बस अब यहाँ पे फेरे भी मतलब होने वाले हैं पूरे फिनिश, यानी कि समाप्त होने वाले हैं फेरे। टाइमिंग हो चुकी है और तो देखिए फ्रेंड्स ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। फेरे वगैरह सब हो चुके हैं तो देखिए चलने की तैयारी हो गई है। हाँ मौसी से भी मिलवाती हूँ मैं आपको। ये देखो ये है हमारी मौसी जी। तो इनके बेटे की शादी को हम इंजॉय कर रहे हैं आज और हमने लॉट्स ऑफ इंजॉय किया है। तो आज हो गई हमारी पार्टी यहाँ पे फिनिश। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ और आगे अभी और भी पार्टीज हैं तो फिर मैं आप लोग सबसे मिलवाऊंगी। थैंक यू नंदो। तो ऐसी होनी चाहिए जैसे मेरी नंद बनाना चाहिए सबको, सबको बनाना चाहिए। और मीट आवर फैमिली जो भाभी की दुनिया में है वो आदि की दुनिया में भी आ जाए। नील दरबार, नील दरबार के नाम से इसका चैनल है बेटे का और इसको सपोर्ट करो क्योंकि काफ़ी छोटा है मगर फिर भी आप लोगों को वीडियोस देने के लिए ना डेली अपडेट रहता है। ये देखो तो ये भी अपने ब्लॉग्स बनाता है, ये कभी कभी शर्मा जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक देना। फूल किसने लगाया ऐसे आपने लगाया।